अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बनाने जा रही हूँ आज वाइट सॉस पास्ता। उसके लिए मैंने एक पाव चिकन ली है। इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मिला के मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले रख दिया था। आम सा मसाला बिल्कुल। अब मैंने इसको पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लेके मैं इस चिकन को फ्राई करूँगी। जब ये चिकन का रंग जो है वो चेंज हो गया, इसको ये तो पकते पकते खुद ही गल जाएगी। इतने छोटे छोटे पीस है ना चिकन के, इसका रंग चेंज हो गया। तो इसमें मैंने 2 गाजर और 1 शिमला मिर्च क्यूब की शक्ल में काट के वो भी डाल दी। अभी जो मैंने सॉल्ट डाला था वो 1 टीस्पून, वो सिर्फ चिकन का था। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और डालूंगी, इसलिए कि मैंने इसमें वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। तो इसमें मैं 1/4 टीस्पून सॉल्ट और डालूंगी। ये ज़रा सा सिर्फ ये वेजिटेबल जो डाली है इसकी कमी को पूरा करने के लिए। 2 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद जब ये वेजिटेबल्स और चिकन भी थोड़ी सी सौते हो गई, फिर मैं डालूंगी ये 2 कप मैक्रोनी बॉईल की हुई। इसको मैंने गर्म पानी में डाल के बॉईल कर लिया था, ऑयल और नमक डाल के। ये भी इसके अंदर डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस। सॉस को इसके अंदर सब मिक्स कर देंगे। तो हमारी हो गई चिकन रेडी। चलिए अब तैयार करते हैं वाइट सॉस। उसके लिए मैं 3 टेबल स्पून ऑयल लूंगी। और उसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे। खाली बटर में इसलिए नहीं कि अगर खाली बटर अगर हम गरम करेंगे तो वो जल जाएगा। जब ये बटर जो है वो मेल्ट हो गया तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैदा डाल के इसको भूनेंगे कि मैदा जले ना। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, मैदे का कच्चापन दूर हो जाए, उस वक्त तक हम इसे भूनेंगे। मैदा कच्चा कच्चा नहीं होना चाहिए, मैदे को भून लेंगे। जब ये मैदे में से अच्छी से खुशबू आने लगे और ये भून जाए तो फिर हम इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे और इसको मुसलसल कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना पड़े। 1 गिलास दूध डाल दिया। उसके बाद 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ओरिगानो, ये सब डाल के मिक्स किया। जब पकने लगा, गरम हो गया, तो इसमें हम 2 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ डालेंगे। ये चीज़ डाला, इसको भी मेल्ट होने देंगे। चीज़ भी अच्छे तरीके से वाइट सॉस में मेल्ट हो जाए और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने जो चिकन तैयार करके रखी हुई थी मैक्रोनी वगैरह डाल के, वो इसमें डाल देंगे। इसको चीज़ को सही तरीके से पूरी मेल्ट कर लेंगे। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया तो ये जो हमने चिकन रखी थी ये भी सब इसमें डाल देंगे, जो पहले से हमने इसका बैटर तैयार करके रखा था। ये देखें, ये अच्छा सा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता रेडी है। बहुत जूसी है, बहुत टेस्टी है। ये देखें आप कितना क्रीमी है। इसके अंदर चीज़ का फ्लेवर भी है, ओरिगानो का फ्लेवर भी है। बहुत अच्छा सा वाइट सॉस पास्ता रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। बस ये रेडी हो गया है वाइट सॉस पास्ता, बहुत जूसी और क्रीमी सा। इस रेसिपी से आप लोग बनाइएगा वाइट सॉस पास्ता और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।